बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूतना केस में आखा देश में होवापो थई रह्यो छे, त्यारे सूरतना कड़ोदरा नगर खाते सामाजिक सेवक अने कांग्रेसना प्रवक्ता द्वारा पोतानी प्रक्रिया दर्शावी अभिनेत्री कंगना रनौत ने समर्थननी साथे अभिव्यक्तिनी आजादीनो दुरुपयोग ना करवामां आवे तेवुं स्पष्टपणे कह्युं हतुं। मुंबई खाते सुशांत सिंह राजपूत केस ने लईने आखा देशनी नजर छे, त्यारे महाराष्ट्रमां शिवसेना कांग्रेस तथा एनसीपी गठबंधन सरकार छे, त्यारे देशनी त्रण महत्वपूर्ण संस्था द्वारा केसनी तपास चाली रही छे, जेमां एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने तपास दरमियान ड्रग्स माफियाओ सुधी पहोंचवा मोटी सफलता अत्यार सुधीमां मळी छे। ત્યારે થોડા સમયથી મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાના સંજય રાઉત અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌત વચ્ચે સામસામે આરોપો પ્રત્યારોપનું શાબ્દિક યુદ્ધ થતા હાલ તો સુશાંતસિંહ રાજપૂત કેસ રાજકીય રંગમાં ઉત્પ્રોત થતો જોવા મળી રહ્યો છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે, તુજે ક્યા લગતા હૈ કે તુને ફિલ્મ માફિયા કે સાથ મિલકે મેરા ઘર તોડકે મુઝસે બહોત બડા બદલા લિયા હૈ? આજ મેરા ઘર ટૂટા હૈ, કલ તેરા ઘમંડ ટૂટેગા, યે વક્ત કા પહિયા હૈ, યાદ રખના, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत ना गृह मंत्रालय द्वारा वाई कैटेगरी सुरक्षा पण आपवामां आवी छे। આખા મામલે કડોદરા વિપક્ષના નેતા દેવેન્દ્ર પટેલની ઓફિસ ખાતે સામાજિક સેવા અને કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ એવા રાજપૂત સમાજના પ્રમોદસિંહ દ્વારા નિવેદન આપતા પોતાની પ્રતિક્રિયા જાહેર કરી હતી। તેમણે અભિનેત્રી કંગના રનૌતને પ્રત્યક્ષ રીતે સમર્થન આપ્યું હતું, પરંતુ પરોક્ષ રીતે જે રીતે કંગના દ્વારા સોનિયા સૈના જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી જે રીતની ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તેને તેમણે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢ્યું હતું। અને વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આખા કેસમાં ભારત દેશની વિશ્વસનીય એવી મુખ્ય ત્રણ પ્રમુખ સંસ્થાઓ પોતાની ફરજ બજાવી રહી છે, ત્યારે આ મામલે રાજકીય રીતે કોઈને પીઠબળ મળી રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। ધવલસિંહ ગોહિલ, ZSTV, કડોદરા। मेरा नाम प्रमोद कुमार परशुराम सिंह, कड़ोदरा नगर पालिका कांग्रेस समिति का प्रवक्ता। आप किस माध्यम से निवेदन दे रहे हैं अभी? मैं आज कड़ोदरा क्षेत्र के सभी राजपूत समाज की ओर से अपना निवेदन दे रहा हूँ। क्या निवेदन में देना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठाया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चलने वाले नेपोटिज्म में दबंग किस्म के लाबी के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। पूरा देश उनके साथ है और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं कंगना रनौत जी का एक बात के लिए जरूर कुछ सलाह दूंगा कि हमारी राजपूत की बेटी है, उस बेटी को कम से कम इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि किसी खास व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का मोहरा न बने, उसका शिकार न हो, क्योंकि पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है और एक महिला है, महिला का किस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है।